3000 पॉइंट्स मूवमेंट किया 16000 में, यानी कि 3 × 5 = 15, ऑलमोस्ट 15% क्या, ऑलमोस्ट 16% के आसपास का वी शेप रिवर्सल आया है, फिर भी आपको किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है। ये देखो ये वाला टेस्टेड साइड हमारा कितना सेफ है, अनटेस्टेड साइड में भी ब्लू लाइन आपके इस लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाय सोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट सीखेंगे। सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स करना है, ध्यान से समझना, बहुत छोटा वीडियो होगा, ध्यान से समझना कि हम बड़े से बड़े मूवमेंट को, बड़े से बड़े वी शेप रिवर्सल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं लास्ट ईयर 2023 का इसलिए क्योंकि 2023 में 1200 पॉइंट्स मार्केट नीचे आया था एंड 16900 से ऑलमोस्ट देखो 19900 तक, यानी कि 3000 ऑलमोस्ट 15-16% मार्केट ने रिकवर किया था वी शेप का। तो मैं आपको दोनों सीनारियो एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, बहुत छोटा वीडियो है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मार्केट ने लो बनाया था 20th मार्च के आसपास, तो मैं आपको 20th मार्च ले चलता हूं डायरेक्ट। अगर मैं एक एक दिन लेके गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको एडजस्टमेंट्स तभी करना है जब आप ब्रेक इवन के पास होंगे, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्टली 20th मार्च को आया हूं क्योंकि इसी दिन मार्केट ने अपना लो बनाया था। सबसे पहली बात कि अभी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे कितना, 14% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने का कोई जरूरत नहीं था, आप चाहते तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर कुछ स्लिपेजेस भी पे करना होता तो भी आप 10% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। मैं 4% काउंट कर रहा हूँ स्लिपेजेस कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी है, बट अभी आप देखना दिसंबर में स्लिपेजेस का ज्यादा इश्यू नहीं होता है। अब दिसंबर में लिक्विडिटी बढ़ने लगा है, पहले रिटेलर्स में उतना अवेयरनेस नहीं था, बट अब 2024 दिसंबर का बिलियन आस प्राइस का डिफरेंस चेक कर लेना, मार्केट में लिक्विडिटी रहता है अगर आप दिसंबर मंथ में ट्रेड करते हैं तो। एंड हम जो भी सिलेक्ट करेंगे हमारा स्ट्राइक प्राइस 1000 मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस पे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मान लो अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आप क्या एडजस्टमेंट करते, आपको टेस्टेड साइड में जो आपने स्ट्रैडल सेल किया था यहाँ टेस्टेड साइड वाले में से वन लॉट एग्जिट करना है। एंड ये स्ट्रैटेजी मल्टीपल लॉट्स के लिए ही है, वन लॉट पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से कर सकते हैं, बट एटलीस्ट टू लॉट से आपको ये ट्रेड लेना ही है, ठीक है। टेस्टेड साइड का एक लॉट यहाँ से एग्जिट किया एंड कॉल जो हेज था हमारा 20,000 का, इस हेज को 1,000 पॉइंट्स अंदर लाएंगे। हमारा जो भी काम होगा वो 1000 के मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस पे ही होगा ताकि हम लिक्विडिटी से डील कर सके, हमारा लिक्विडिटी में ज़्यादा इश्यू ना आए, ठीक है। तो ये भी दो लॉट से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 20,000 का कॉल मैंने 19,000 पे शिफ्ट कर दिया। अभी आप देखो आपका ब्लू लाइन कितना सेफ है, ये रेड वाला पार्ट यहाँ पे भूल जाओ, ये देखो ये वाला टेस्टेड साइड हमारा कितना सेफ है, अनटेस्टेड साइड में भी ब्लू लाइन सेफ है, अनटेस्टेड साइड में भी ब्लू लाइन आपके इस लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको वी शेप, क्योंकि ऑब्वियसली हमने चार्ट देख लिया यहां पे एक शार्प वी शेप रिवर्सल आता है, मैं आपको अनटेस्टेड साइड के ब्रेक इवन के पास लेके चलता हूं 18,867 के आसपास, 18,867 के आसपास, 18,000 देखो ब्रेक इवन से थोड़ा पहले ही आपको डिसाइड करना है कि एडजस्टमेंट्स करें या ना करें, ठीक है। 18,008 था ना, मैं 18,700 तक लेके चल, ऑलमोस्ट 19th जून को मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, एक एक दिन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहो तो आप एक एक दिन करके खुद देख सकते हो, अगर आपको देखना है, अगर आपको जानना है कि बीच में क्या क्या हुआ था, मेरे इस वीडियो को पॉज करो, मेरा डेट एंड टाइमिंग सब कुछ नोट कर लो एंड आप उसके बाद खुद से चेक कर सकते हो कि मिडिल में क्या हुआ था। देखो ये मैं वी शेप रिवर्सल एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ तक लेके आया हूँ, अभी भी आपको देखो कोई लॉस नहीं हो रहा है, अभी भी आपको लॉस नहीं हो रहा है एंड आप बीच में कहीं भी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना आगे तक लेके गया हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट रैंडमली कोई भी डेट सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बीच बीच में भी आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता, ठीक है, बट मैं आपको ब्रेक इवन के पास क्या होगा, आई थिंक 19th या 20th जून था, जो भी था, ब्रेक इवन के पास क्या होगा वो दिखाने के लिए मैं यहाँ तक लाया हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये स्ट्रैटेजी कितना सेफ है। इतना वी शेप रिवर्सल के बाद भी 16,900 से 18,700 2000 पॉइंट वी शेप रिवर्सल के बाद भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। अब मैं आपको टॉप पे ले चलता हूँ, मतलब मार्केट यहाँ तक टॉप बनाया था उसके बाद मार्केट पे रिट्रेसमेंट आया था, ठीक है, तो मैं आपको अब चलता हूँ 20th जुलाई पे लेके, अब मैं आपको 20th जुलाई पे लेके चलता हूँ, बीच में क्या हुआ था आप देखना चाहते हो खुद से चेक कर लेना।
अभी आप देखो ऑलमोस्ट वन मंथ तक मार्केट, वन मंथ पहले मार्केट यहां पे था, वन मंथ पहले मार्केट यहां पे था, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है यहां से 19th जून से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। ये देखो बीच में कितना सारा गैप अप बना था, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर आया है वन मंथ तक, फिर भी आपका ट्रेड लॉस में नहीं है, इस रेड वाले पार्ट के ऊपर है। सोचो कि ये स्ट्रेटजी कितना सेफ है। आपको आरओआई नहीं देखना है, आपको यहां तक आना ही नहीं था। मैं ये स्ट्रेटजी सेफ कितना है मैं वो बताने के लिए आपको यहां पे लेके आया। आप बोलेंगे कि जनवरी में स्टार्ट हुआ है, जुलाई चल रहा है, फिर इतना कम आरओआई। आपको तो मार्च में ही प्रॉफिट बुक कर लेना था, जब मैंने आपको दिखाया था मार्च में ही आपको 15% के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा था। ये स्ट्रेटजी कितनी सेफ है, अगर ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो आपको ट्रेड को कैसे अफेक्ट कर सकता है 2000 पॉइंट्स के मूवमेंट में, 3000 पॉइंट्स के वी शेप रिवर्सल में। ये 16900 से 19800 के आसपास आया, 3000 पॉइंट्स मूवमेंट किया 16000 में, यानी कि 3 × 5 = 15, ऑलमोस्ट 15% के, ऑलमोस्ट 16% के आसपास का वी शेप रिवर्सल आया है, फिर भी आपको किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है। ये बताने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके बाद आप चाहो तो एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे? कॉल के दोनों लॉट को एग्जिट कर दो, जो आपने सेल किया था और जो आपने बाय किया था, आप पूरा का पूरा स्प्रेड को एग्जिट कर दो। देखो अभी भी आप अपने ट्रेड को नो प्रॉफिट नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा एडजस्टमेंट्स करने के बाद अभी देखो आपका ब्रेक इवन है डाउन साइड में 2000 पॉइंट्स दूर। अब 3000 पॉइंट्स रिकवरी करने के बाद फिर से मार्केट को 2000 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा आपको यहाँ पे लॉस देने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पे जाना है, यहाँ जितने वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जितने सारे वीडियोस हैं, हर वीडियो को देख जाओ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया और यूनिक सीखने को जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।